महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की रैली, कहा मेरी जनसभाओं से बौखला गई है महाराष्ट्र की सरकार। उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे का निशाना, कहा लाउडस्पीकर से नहीं रुकी अजान तो मस्जिदों के बाहर पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। बोले राज ठाकरे, अब महाराष्ट्र के हर जिले में करूंगा रैली। बोले शरद पवार को कहा नास्तिक तो उन्हें बुरा लगा। अपना इतिहास समझने को राज ठाकरे ने बताया जरूरी, कहा जो समाज इतिहास भूलता है उसका बदल जाता है भूगोल। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से हजारों समर्थकों का जत्था पहुंचा औरंगाबाद, राज ठाकरे को सुनने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश। राज ठाकरे की रैली से पहले उद्धव पर बरसे, कहा कुछ लोग हमेशा अपना झंडा बदलते रहते हैं, उद्धव ने राज के बारे में कहा। सीएम उद्धव ने कहा पहले वो गैर मराठियों पर किया करते थे हमले, अब गैर हिंदुओं को बना रहे हैं निशाना। शिवसेना पर एमएनएस का बुलडवार, का सिर्फ मुसीबत के समय ही बाला साहेब ठाकरे को याद करती है शिवसेना। बीजेपी शिवसेना पर बरसे ओवैसी, कहा सत्ता में राहत, इन्हें दिखी लाउडस्पीकर से होने वाली दिक्कत। राज ठाकरे पर आम आदमी पार्टी का व्यंग्य, बोले सौरभ भारद्वाज मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए पूरा प्रपंच। महाराष्ट्र दिवस पर मुंबई में बीजेपी की रैली, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया संबोधित। औरंगाबाद में राज ठाकरे से मिले जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता, जम्मू कश्मीर में विकास योजनाओं पर चर्चा। सोमवार को बेंगलुरु जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, खेलो इंडिया इवेंट में लेंगे हिस्सा, कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा। तीन देशों की विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले बोले पीएम मोदी, यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को करूंगा मजबूत। पीएम मोदी का जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस का दौरा, व्यापार बढ़ाने के लिए बिजनेस लीडर्स से करेंगे बातचीत, ट्वीट करके दी जानकारी। यूपी के सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, अक्षय तृतीया और ईद पर न हो अनावश्यक बिजली कटौती। गुजरात सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, 3% की बढ़ोतरी। नर्मदा में बीजेपी सांसद मनसुख वसावा का बयान, गुजरात में आम आदमी पार्टी देख रही है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बिहार के पूर्णिया में सीएम नीतीश के सुरक्षा में सेंध, कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर दो पिस्तौल के साथ दो युवक गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर, हल्दौर चौराह पर गैर कानूनी न्यू राम दर्शन कॉलोनी में घरों को प्रशासन ने गिरा दिया। गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने फूका चुनावी बिगुल, भरूच की रैली में कहा हमें एक अवसर दीजिए हम आपकी गरीबी दूर करेंगे। केजरीवाल ने गुजरात में चला दिल्ली पंजाब में फ्री बिजली वाला दांव, कहा जो फ्री बिजली दे वो ईमानदार, जो बिजली महंगी दे वो बेईमान। केजरीवाल ने चला गुजराती कार्ड, कहा बीजेपी ने 6.5 करोड़ गुजरातियों का अपमान किया, महाराष्ट्र के आदमी सीआर पाटिल को बनाया गुजरात बीजेपी का अध्यक्ष। नए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को आज गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित, कल संभाला था पदभार। नए सेना प्रमुख जनरल पांडे ने कहा देश की सुरक्षा सर्वोपरि, सेना हर चुनौती से निपटने को तैयार, आर्मी के आधुनिकीकरण पर दिया जोर। कोलकाता में बीजेपी ने चुनाव बाद हिंसा के 1 साल पूरा होने पर लगाए पोस्टर, जब तक न्याय नहीं तब तक लड़ाई जारी रखने का प्रण। बंगाल के हावड़ा में टीएमसी नेता कल्याण घोष पर धमकाने का आरोप, कार्यकर्ताओं से कहा 2023 ग्राम पंचायत चुनाव में विरोधी दल नहीं दे पाएंगे उम्मीदवार। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की एलुमनाई मीट में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित। अलीगढ़ में स्वामी यति नरसिम्हानंद का विवादित बयान, हिंदुओं से और बच्चे पैदा करने की अपील। गुजरात के बॉर्डर में सीएम भूपेंद्र पटेल का दौरा, पुलिस परेड ग्राउंड में शस्त्र प्रदर्शन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। हरियाणा के भिवानी में जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल की कांग्रेस में नहीं चलती। योगी सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का अखिलेश यादव पर बयान, कहा राहुल के जैसे अखिलेश की स्थिति, इसलिए वो अखिलेश को नहीं लेते सीरियसली। बिहार के दरभंगा में इफ्तार और अजान विवाद पर बिहार के मंत्री मदन साहनी का बयान, शिक्षण संस्था अस्पताल में ऐसे आयोजन से परहेज करें लोग।
भोपाल में शिक्षक कांग्रेस अधिवेशन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हुए शामिल। कमलनाथ ने मंच से की पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा। पंजाब के पठानकोट के सरहदी गांव में खालिस्तान जिंदाबाद के लिखे नारे मिले, पुलिस कर रही है जांच। मैसूर में बीजेपी महासचिव बीएल संतोष की नेताओं को हिदायत, पार्टी किसी को भी कभी भी बदल सकती है। गुवाहाटी में श्री श्री दामोदर देव की तोरोभाव तिथि कार्यक्रम का आयोजन, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा शामिल। जयपुर में सीएम गहलोत का बीजेपी पर व्यवहार, कहा पूरे देश में तनाव का माहौल, संविधान की उड़ रही है धज्जियां। यूपी में 1 जुलाई से आम आदमी पार्टी शुरू करेगी 10,000 तिरंगा शाखा, राज्य प्रभारी और सांसद संजय सिंह की जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर सीएम योगी ने 25,000 होमगार्ड्स को दी सौगात, होमगार्ड और कामगार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा सभी का बढ़ाया गया कॉन्ट्रैक्ट। उत्तराखंड में टिहरी जिले के सिद्धपीठ सुरकंडा देवी में रोप वे शुरू, सीएम धामी ने किया उद्घाटन। सोनीपत में अमृत मिशन सरोवर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का संबोधन, पानी को बचाने की बताई जरूरत। पटना में 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार इस्कॉन मंदिर, 3 मई को प्राण प्रतीक्षा। अलवर के राजगढ़ में मंदिर टूटने वाली जगह पहुंचा बीजेपी का दल, स्थिति का मुआयना किया। आगरा में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, माता चामुंडी देवी मंदिर के सामने दीवारों पर चिपकाए पोस्टर। कर्नाटक के कई इलाकों में बदला मौसम, बेंगलुरु में भारी बारिश, गिरे ओले। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भीषण गर्मी, त्राहिमाम टेम्परेचर 45 डिग्री के पार। राजस्थान की करौली में कुदरत का रहम, अचानक आई आंधी, हल्की बारिश ने गर्मी से लोगों को दी राहत। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे का टूटा पहाड़, बिहारी और कुड़िया इलाके में लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के धनौल्टी में पर्यटकों की भारी भीड़, रास्ते में लगा भारी जाम, गर्मी से बचने के लिए पहुंचे हजारों लोग। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भी प्रचंड गर्मी, तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा। दिल्ली में भी चढ़ते पारे का प्रहार, आया नगर में तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में ईद की तैयारियां शबाब पर, जामा मस्जिद में बाजारों में खरीदारों की उमड़ रही है भीड़। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,324 नए मामले, 2,876 स्वस्थ। महाराष्ट्र में अभी मास्क पहनना अनिवार्य नहीं, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा अगर बढ़ेंगे केस तब लागू करेंगे निर्णय। पंजाब के पटियाला में हिंसा का सच तलाशने में जुटी पुलिस, मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना को 4 दिन की जेल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से एक आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पुराना मोर्टार शेल बरामद, सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़े, 102.50 रुपए बढ़ गए दाम। 5 किलो एलपीजी सिलेंडर अब हुआ 655 रुपया, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 2,355 रुपए 50 पैसे। बिहार में शराबबंदी की खुली पोल, सीएम के घर के पास स्कूटी से शराब बरामद। मोतिहारी में महिला डॉक्टर के क्लिनिक पर फायरिंग, एक व्यक्ति को गोली लगी, एक गिरफ्तार। नोएडा में सामने आई रोडवेज की वारदात, कहा सुनी के बाद युवक को रौनते हुए फरार। कानपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने जीप को मारी टक्कर, बाल बाल बचे 4 जवान। असम में एनकाउंटर, गिरफ्तारी के बाद फरार चल रहे बदमाशों को पुलिस ने ढेर किया। दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस में बिल्डर का मर्डर, घर में घुसकर मार डाला। कालाहांडी में हार्डकोर नक्सली का सरेंडर, कई मामलों में थी पुलिस को तलाश।
छपरा में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या, ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने 5 छात्रों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 4 अस्पताल में भर्ती। दुर्ग में मासूम से रेप के आरोप में युवक गिरफ्तार, भागने की कर रहा था कोशिश। हरिद्वार में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, पेट्रोल पंप पर कहा सुनी के बाद मारा। भरतपुर में शादी के बाद 2 दुल्हन ससुराल के जेवरात लेकर फरार, थाने में शिकायत दर्ज। वाराणसी में फ्लाइट में सीट को लेकर 2 यात्रियों में कहा सुनी का वीडियो वायरल, 1.5 घंटे लेट हुई फ्लाइट। कानपुर में पुलिस अधिकारियों के मार्च में 7 घूमते दिखा अपराधी इमरान टाइगर, ज्वाइंट कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। अलीगढ़ में रफ्तार का कहर, ट्रक की चपेट में आने से 3 की मौत। नोएडा के बार से मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, मृतकों तस्वीर में मृतक से मारपीट करते दिखे बाउंसर। हाथरस में रिश्वत लेते महिला पुलिस का वीडियो वायरल, पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड करने के दिए आदेश। सासाराम में कार से 16 किलो गांजा जब्त, लाखों है इसका दाम। हरदोई में कार ऑटो की टक्कर, 2 बच्चों की मौत, 10 लोग घायल। अलीगढ़ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। आईपीएल के पहले मैच में लखनऊ ने दिल्ली को हराया, 6 रन से मिली जीत। लखनऊ ने दिया था 196 रनों का लक्ष्य, 7 विकेट पर 189 रन ही बना पाई दिल्ली कैपिटल्स। लखनऊ की जीत के हीरो बने कप्तान केएल राहुल, खेली 77 रनों की पारी। लखनऊ के दीपक हुड्डा ने बल्ले से दिखाया कमाल, 34 गेंद पर बनाए 52 रन। लखनऊ के मोहसिन खान का गेंदबाजी में धमाल, 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट लिए। दिल्ली पर जीत के बाद लखनऊ के 14 अंक, दूसरे नंबर पर पहुंची लखनऊ। आईपीएल के दूसरे मैच में हैदराबाद के विरुद्ध चेन्नई की बल्लेबाजी, ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे की सदी शुरुआत। ऋतुराज कॉनवे दोनों ने जड़े अर्धशतक, 18 ओवर में ही 1 विकेट पर स्कोर 180 के पार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्रकारों को व्हाइट हाउस में दी डिनर पार्टी, यूक्रेन में जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की तारीफ। अमेरिका के सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैंसी पेलोसी यूक्रेन के दौरे पर, कीव में ज़ेलेंस्की से मिली। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की, रूस के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने की मांग। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर पर सहमति, अजोवो स्टील प्लांट में बंकर में फंसे महिलाओं बच्चों को निकाला गया। यूक्रेन की सेना ने रूस पर बेलारूस से मिसाइल हमले का लगाया आरोप, यूक्रेनी सेना के चीफ ने कहा रूस ने पूर्वी यूक्रेन में बनाए 300 से अधिक सैन्य ठिकाने। वियतनाम दौरे पर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, हनोई में पीएम फाम चिन से मुलाकात। तुर्की के इस्तांबुल में मई डे पर प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग को लेकर निकाली रैली, पुलिस से हुई भिड़ंत। साउथ कोरिया की राजधानी में लेबर डे पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने निकाली रैली, ट्रेड यूनियन के कार्यक्षेत्र में भेदभाव का लगाया आरोप। इसराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने वेस्ट बैंक में सफल ऑपरेशन पर सैनिकों की तारीफ की, यरूशलेम में अलक्सा मस्जिद में हिंसा के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। अफगानिस्तान में धमाकों के साये में मुस्लिम श्रद्धालु ईद की नमाज में शामिल हुए, रविवार शाम से अफगानिस्तान में सबसे पहले मनाई गई ईद।